हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में हम पढ़ रहे थे, कोर डेटा पढ़ रहे हैं हम, और ब्रैंकियोस्टोमा पढ़ते हुए हमने यहाँ पे उनके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि लोकोमोशन कैसे होता है ब्रैंकियोस्टोमा में, और लोकोमोशन कब करते हैं। क्योंकि ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में तो हमने देखा कि वो एक तरह से सेडेंटरी ऑर्गेनिज्म है, दैट मींस कि एक जगह स्थिर रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं और वो मूव जनरली नहीं करते, बट कुछ ओकेजन्स पे, कुछ स्पेसिफिक टाइम पे वो मूव करते हैं। जब उनको कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आती है तब वो मूव करते हैं। दैट मींस अगर कोई ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है तो मूवमेंट के लिए भी उसके अंदर कोई ऑर्गन होगा, या फिर किसी चीज़ की मदद से वो मूव कर रहा होगा। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे ब्रैंकियोस्टोमा मूव करते हैं और कौन से पार्ट्स हैं जो इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा कि जो ब्रैंकियोस्टोमा ये जो है एक स्लगिश एनिमल है, या फिर आप बोलो कि एक सेडेंटरी ऑर्गेनिज्म है, या फिर सुस्त है, आप जो बोलना है ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे है कि ब्रैंकियोस्टोमा इज अ स्लगिश ऑर्गेनिज्म। स्लगिश ऑर्गेनिज्म, अब इंग्लिश में कई सारे ऐसे वर्ड्स आते जाएंगे जो मीनिंग एक ही होगा पर वो 10 अलग अलग जगह 10 अलग अलग नाम से बोले जाएंगे या लिखे जाएंगे। तो सेडेंटरी भी आप लिख सकते हो, स्लगिश यहाँ पे इस सेंस में बोल दिया गया कि हाँ चलो ये सुस्त टाइप का एनिमल है, ठीक है। तो स्लगिश का मतलब एक तरह से हुआ सुस्त, या फिर धीरे धीरे काम करने वाला। तो इट्स अ स्लगिश एनिमल बाय नेचर, स्लगिश एनिमल, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद ब्रैंकियोस्टोमा एक स्लगिश एनिमल है। उसके बाद अपन बोले कि ये ओकेजनली फ्रीली स्विम करता है, ओकेजनली इट स्विम्स फ्रीली इन वाटर। ओकेजनली ये स्विम करता है वाटर में, कभी कभार स्विम करता है। ओकेजनली बोले तो यहाँ पे कभी कभार ये स्विम करता है। और ये कभी कभार क्यों स्विम करता है? जब कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आती है, कोई एक्सटर्नल चीज़ इसे डिस्टर्ब करती है, तब ये स्विम करता है। अब देखो बेचारा, मतलब आराम से बैठे हुए इंसान को भी लोग नहीं छोड़ रहे इस ऑर्गेनिज्म को, इसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जब इसको कोई डिस्टर्ब करता है तब ये स्विम करना स्टार्ट करता है, और स्विम करके अपना प्लेस चेंज करता है, या फिर इसको कहीं और जाना होता है तो जाता है। इसकी स्विमिंग की जो स्पीड है वैसे वो बहुत स्लो होती है। तो किसी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के कारण ये कभी कभार मूव करता है। अब जब ये कभी कभार मूव करता है तो वो कभी कभार मूवमेंट कैसे होती है, पार्शियल मूवमेंट ये होती कैसे है? तो उसके बाद अपन देखें कि ये जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट की बात करें, इज डन बाय लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोटोम्स। मायोटोम्स और मायोमियर्स के बारे में अपन ने पढ़ा था। मायोटोम्स क्या थे? मायोटोम्स एक तरह से मसल फाइबर्स थे, उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो जो मूवमेंट होगा वो किसके कारण होगा? जब मायोटोम्स का कॉन्ट्रैक्शंस होगा, मतलब कि जो मायोटोम्स में मसल फाइबर प्रेजेंट होंगे उनका जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब जाके यहाँ पे मूवमेंट होगी इनके अंदर, ठीक है। तो मूवमेंट इज डन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स ऑफ मायोटोम्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स ऑफ मायोटोम। मायोटोम्स के अंदर जो मसल फाइबर्स प्रेजेंट हैं उनका जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब जाके इनके अंदर जो है वेव क्रिएट होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक तरह से जो, क्योंकि ये पानी में मौजूद रहते हैं और मूवमेंट भी वहीं पे करेंगे, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब सिकोड़ेंगे अपने मसल्स को, तब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक वेव क्रिएट होगा, जिस वेव के कारण ये आगे अपने आप को धक्का दे पाएंगे। एक चीज़ ऑलरेडी मैंने बताई थी, इनका जो मूवमेंट होता है वो स्नेक की तरह होता है, सांप की तरह इस तरह से ज़िगज़ैग मूवमेंट होता है, तो वो मूवमेंट भी यहाँ पे होगा। उसके आगे अपन देखते हैं, ये तो हो गया मूवमेंट कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर जो है मायोटोम्स के उनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। उसके आगे अपन देखते हैं
ये जो कॉन्ट्रैक्शन है क्या करता है, मैं इसके आगे का ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस कॉजेज ट्रांसवर्स मोशन ऑफ द बॉडी, दिस कॉजेज ट्रांसवर्स मोशन ऑफ द बॉडी। दिस कॉजेज ट्रांसवर्स मोशन ऑफ द बॉडी एट डिफरेंट एंगल इन सच अ फैशन, ट्रांसवर्स मोशन ऑफ अ बॉडी इन डिफरेंट एंगल्स। बस इतना ही काफ़ी कि इससे अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इससे क्या होता है, ट्रांसवर्स मोशन होता है। ट्रांसवर्स मोशन बोले तो अगर अपन यहाँ पे हैं तो अपना मोशन अगर मतलब पैर स्थिर है, हाँ ट्रांसवर्स क्या होता है, मैंने बोला था कि एक व्यक्ति को या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बीच प्लेन से अगर डिवाइड करो, अगर बीच प्लेन से डिवाइड करो वो होता है ट्रांसवर्स। बीच प्लेन मतलब वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली डिवाइड करो वो होता है एक तरह से आपका ट्रांसवर्स मोशन। ठीक है, वहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन हुआ। अब वहाँ से अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आप इधर मूव कर रहे हो या आप इधर मूव कर रहे हो तो ये हो गया आपका ट्रांसवर्स मोशन। उसी मैनर में जब इसका ट्रांसवर्स मोशन होगा बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, मतलब ये ऑर्गेनिज्म है ठीक है, वर्टिकली खड़ा है, दिख रहा है वर्टिकल, मान लो कि इस तरह से हम ही खड़े हैं या फिर ब्रैंकियोस्टोमा वो खड़ा है वर्टिकल, और उसके बाद ट्रांसवर्स मोशन में अगर इसकी बात हम करें तो आई डोंट नो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नहीं, बट आई होप कि दिख रहा होगा, दिस कॉजेज द ट्रांसवर्स मोशन ऑफ द बॉडी इन डिफरेंट एंगल्स। यहाँ एक सीधा ऑर्गेनिज्म और अलग अलग एंगल पे मोड़ आना, अलग अलग एंगल पे जब मुड़ेगा वो तो होता है वो ट्रांसवर्स, अलग अलग एंगल पे वो मुड़ेगा। तो ये मोशन क्रिएट हुआ, इस मोशन के कारण एक फोर्स जनरेट होता है जिसके आगे वो आगे पुश हो जाता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मूवमेंट इस टाइप की होती है इनके अंदर। उसके बाद अपन बोलते हैं ऑल मायोटोम्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, मतलब रिदम में एक लय में ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बाद उसके पीछे सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब जाके एक फोर्स जनरेट होगा। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर उसके पीछे वाले कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे। तो दीज मायोटोम कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली रिदमिकली एंड along the anteroposterior direction, along the anteroposterior direction, anteroposterior direction मतलब anterior से posterior की तरफ, एंटेरियर से पोस्टेरियर की तरफ, एंटेरियर अगला हिस्सा आगे वाला पार्ट, पोस्टेरियर मतलब पीछे वाला पार्ट। तो अगर किसी को आगे मूव करना है ऐसे ऑर्गेनिज्म को तो जाहिर सी बात है कि जब वो आगे वाले पार्ट से पीछे वाले की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब वो जाके उसको फोर्स जो है वो आगे की तरफ मिलेगी बढ़ने के लिए। ओके, तो इसी तरह से बात होती है और इसी तरह से इनका मूवमेंट होता है। उसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे तो हो गया रिदमिकली मूवमेंट होता है और एंटेरो पोस्टेरियर डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, मतलब एंटेरियर से पोस्टेरियर की तरफ मूवमेंट होता है। ये मिटाता हूँ मैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा आई होप। ओके, इसको मिटाते हैं अपन, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एंटेरियो पोस्टेरियर डायरेक्शन में हो गया इसका मूवमेंट। उसके बाद ड्यूरिंग फ्लक्स
फॉरवर्ड प्रोपल्सन, ड्यूरिंग फॉरवर्ड प्रोपल्सन मतलब आगे की तरफ बढ़ते हुए, आगे की तरफ मतलब फॉरवर्ड प्रोपल्सन मतलब, प्रोपल्सन मतलब हो गया यहाँ पे कि एक फोर्स जनरेट करना जो कि फोर्स किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मतलब धक्का दे, उसका हो गया फॉरवर्ड प्रोपल्सन। ठीक है, तो फॉरवर्ड तो लिखा हुआ है, प्रोपल्सन मतलब धक्का देना, तो फॉरवर्ड है तो आगे की तरफ धक्का देना। ठीक है, तो फॉरवर्ड प्रोपल्सन के समय जो मायोटोम्स है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग फॉरवर्ड प्रोपल्सन मायोटोम्स कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोड्यूसेस वेव्स। वेव्स मतलब एक तरह से वेव क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, वाटर करंट के थ्रू भी वेव आ रही है यहाँ पे, वो वेव क्या करती है पीछे जाती है तब जाके ये कॉन्ट्रैक्शन आगे आता है, तब जाके ये फोर्स जो है वो आगे की तरफ आता है, फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो इनकी हो पाती है। उसके आगे अपन देखते हैं कि मायोटोम्स जो हैं वो नोटोकॉर्ड के लेटरल, अब यहाँ मूवमेंट की बात हो गई, यहाँ पे बेसिक मायोटोम्स की बात करें तो लेटरल साइड ऑफ नोटोकॉर्ड, लेटरल मतलब साइड वाला पोर्शन होता है, तो लेटरल पार्ट में पाए जाएंगे नोटोकॉर्ड के मायोटोम्स और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो होगा उस कारण से आगे फॉरवर्ड मूवमेंट हो पाएगा ब्रैंकियोस्टोमा का। उसके आगे अपन देखते हैं कि जो नोटोकॉर्ड का फंक्शन है, एक तो ये जो है मायोटोम्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की तरफ भी फंक्शन करता है, ये तो पता चल गया सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की तरफ फंक्शन करता है। उसके अलावा अपन देखें कि ये जो मायोटोम्स है वो एक तरह से नोटोकॉर्ड को छोटा होने से बचाता है, या नोटोकॉर्ड जो है ना वो शरीर को छोटा होने से बचाता है। छोटा होने का मतलब कि नोटोकॉर्ड का एक फिक्स शेप है, हाँ नोटोकॉर्ड का एक फिक्स शेप है, और तो नोटोकॉर्ड क्या करता है कि जब अब वो वेव हो रहा है तो वेव होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म है, मूव करने के बाद ऑर्गेनिज्म अपने ओरिजिनल साइज में, अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाए, उसके लिए नोटोकॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड जो है वो एक बैलेंस क्रिएट करता है कि जो साइज़ है ऑर्गेनिज्म का और जो शेप है ऑर्गेनिज्म का वो एज इट इज़ रहे, मूवमेंट के दौरान या किसी भी समय वो चेंज ना हो जाए। ओके, सो नोटोकॉर्ड इज टू प्रिवेंट शॉर्टनिंग ऑफ द बॉडी लेंथ। नोटोकॉर्ड प्रिवेंट्स the shortening of body length during contraction or during movement, आप लिख सकते हो during contraction, contraction के दौरान जो length है, जो size है particular organism का, वो मतलब कि डिराइव या डेविएट ना कर जाए, चेंज ना हो जाए, उसके लिए नोटोकॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। उसके आगे अपन देखते हैं कि मायोटोम्स जो है उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता नोटोकॉर्ड से। अगर नोटोकॉर्ड और मायोटोम्स की बात करें, अब यहाँ पे तो हमने देखा कि मायोटोम्स के जो मसल फाइबर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन से मूवमेंट हो रही है, पर मायोटोम्स का नोटोकॉर्ड से कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। एक टर्म मैंने बताया था मायोकॉमास, दो मायोटोम्स को डिवाइड कर रहे थे, डिफ्रेंशिएट कर रहे थे मायोकॉमास। ये मायोकॉमास जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं नोटोकॉर्ड से, पर जो मायोटोम्स है उनका कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है नोटोकॉर्ड से, वो डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं रहते हैं नोटोकॉर्ड से, वो जुड़े हुए रहते हैं मायोकॉमास से, और मायोकॉमास जो हैं वो जुड़े रहते हैं नोटोकॉर्डल शीथ से। ओके, तो ये एक बेसिक आपको फ़र्क पता चलेगा कि नोटोकॉर्ड है तो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर पार्ट की, वो प्रोवाइड करा रहे हैं शेप, और जो मायोटोम्स है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं मूवमेंट। दोनों जुड़े हुए किससे हैं, मायोकॉमास से, और मायोकॉमास जो नोटोकॉर्डल शीट है उससे अटैच होके रहता है।
ओके। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और कि जो ब्रैंकियोस्टोमा है वो वाटर में बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, बहुत स्लो ऑर्गेनिज्म है, तो बहुत धीरे धीरे वो स्विम कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट स्विमिंग वो नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि फिशेस की तरह इनके पास बहुत ज़्यादा डेवलप्ड फिन सिस्टम नहीं होता। जो फिन्स होते हैं फिशेस में वो इनके पास बहुत ज़्यादा डेवलप सिस्टम नहीं होता है। हाँ, इनके पास कॉडल फिन्स जो हैं या फिर आप बोलो टेल फिन्स, जो पीछे वाले फिन्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, उसकी मदद से भी ये स्विम कर पाते हैं। बाकी जो जो फिन्स हैं वो इनके अंदर एब्सेंट रहते हैं, बाकी का जो फिन सिस्टम है वो इनके अंदर एब्सेंट रहता है। ओके, उसके बाद अपन देखें कि यहाँ पे एक तो हमने देख लिया कि ट्रांसवर्स मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसवर्स मूवमेंट के बाद ये जो ब्रैंकियोस्टोमा है उसी मूवमेंट के थ्रू कभी कभार जब इनको ज़रूरत पड़ती है मूव करने की तो ये मूव करते हैं। अदर देन दैट ये सेडेंटरी ऑर्गेनिज्म है, या आज जो हमने पढ़ा स्लगिश ऑर्गेनिज्म है, एक जगह ही रहते हैं, वही स्थिर ऑर्गेनिज्म है, वहीं पर पड़े रहते हैं और जनरली मूव नहीं करते। बट जब कोई आउटर डिस्टर्बेंस आती है तो ये मूव करते हैं। मूव करने के लिए जो इनके मायोटोमास के मसल फाइबर्स हैं वो हेल्पफुल होते हैं। वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंटेरियर से पोस्टेरियर साइड की तरफ तो एक वेव क्रिएट होता है जिसके कारण फोर्स जनरेट होती है जो इनको आगे की तरफ धक्का देती है और ये आगे उस तरह से बढ़ते हैं। इनकी जो स्पीड है तैरने की, स्पीड जो है स्विम करने की, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट स्टिल इनके लिए ये सही रहती है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। और ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में बाकी चीज़ें तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली और आगे भी हम इनके सिस्टम अब स्टार्ट करेंगे। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था वो ब्रैंकियोस्टोमा का हमने अप्रोक्स कंप्लीट कर लिया। जो एक्सटर्नल पार्ट्स हमें देखने थे जितने भी वो हमने देख लिए। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे, जो इनके सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके बाद जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम वो स्टार्ट करेंगे। तो लोकोमोशन इन ब्रैंकियोस्टोमा आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लोकोमोशन होता है ब्रैंकियोस्टोमा में, कैसे वो आगे की तरफ मूव करते हैं और क्यों वो मूव करते हैं, कौन से पार्ट्स इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, इनका ट्रांसवर्स मूवमेंट क्या होता है और किस तरह से ये ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं। आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। सो आज का वीडियो यहाँ पे हम ओवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।